तो दोस्तों आज हो गया 2 अक्टूबर 2021, बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चली फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 40 में से 39 लोकसभा सांसद एनडीए के हैं, बावजूद बिहार के अस्पतालों में बेड की संख्या देश में सबसे कम है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार को बधाई। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में बेड के मामले में बिहार देश में नीचे से फर्स्ट आया है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है, राज्य सरकार के 16 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद नीचे से फर्स्ट करने का मौका मिला है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को एक बार फिर से ईवीएम से डर लगने लगा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही है। उन्होंने नारा दिया है कि ईवीएम हटाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बनाओ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि अगर बैलेट पोल से चुनाव होते हैं तो भाजपा हार जाएगी। अमेरिका का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर बैलेट का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर अपने देश में ऐसा क्यों नहीं। तीसरी बड़ी खबर, हाल ही में लेफ्ट से सेंटर आए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की मौजूदगी में मंगलवार को कांग्रेस का हाथ थामने वाले जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष ने पंजाब में पार्टी की कलह पर भी अपनी बात रखी और बीजेपी का उदाहरण देकर पूछा कि पीएम मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच मतभेदों पर बात क्यों नहीं होती। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस चांद की तरह है, कई बार ये बढ़ता हुआ प्रतीत होता है लेकिन ये होता नहीं है, फिर भी बीजेपी से लड़ने के लिए ये एकमात्र विकल्प है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलनकारियों को कड़ी नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस कानून की वैधता पर विचार के लिए अदालत में याचिका लंबित है तो फिर ऐसे प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली के बाहर सीमाओं पर किसानों के डटे होने, हाईवे जाम किए जाने और रेल यातायात बाधित होने पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि जस्टिस एमएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा है कि जब आप अदालत में आए हैं तो फिर आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं बनता। दरअसल आपको बता दें कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की ओर से पेश वकील अजय चौधरी ने कोर्ट से मांग की थी कि किसानों को जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति दी जाए। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में खुद को अपमानित बताकर हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावों को प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने शुक्रवार को झूठा बताया है। दरअसल कैप्टन ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू को तानाशाही की इजाजत क्यों दी गई। आपको बता दें कि रावत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ सिद्धू का बचाव किया तो अमरिंदर सिंह पर कई सवाल उठाए। कैप्टन के अपमान के दावों को गलत बताते हुए रावत ने कहा है कि वो इस बात से हैरान हैं। छठी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को शुक्रवार को उस समय एक और झटका लगा जब रायगंज के विधायक कृष्णा कल्याणी ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए शुक्रवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले हाल ही में कलियागंज के भाजपा विधायक सोमन रे पार्टी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कल्याणी ने रायगंज से भाजपा सांसद देवाश्री चौधरी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा ने चौधरी और नए मनोनीत अध्यक्ष सुकान मजुमदार के खिलाफ कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कल्याणी को गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सातवीं बड़ी खबर, हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मलसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी इन दिनों यूपी में लगातार चुनावी दौरा करने में जुटे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए सिर्फ योगी मोदी सरकार और बीजेपी पर ही निशाना नहीं साध रहे हैं बल्कि मुस्लिमों के मुद्दे पर गैर बीजेपी दलों के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मुस्लिमों के युवाओं की गिरफ्तारी से लेकर धर्मांतरण के मामले में आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है। जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, अभी जो हमारे मौलाना ने कहा कि किसी एक बड़े पुलिस के ऑफिसर ने मौलाना से कहा कि क्यों मजलिस का इलेक्शन लड़ रहे, ये मन नहीं कहना चाहिए कि हरगिज नहीं कहना चाहिए था। पुलिस का काम ये नहीं है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देंगे। लेटर लिखकर कहेंगे कि आप जब यहां पर रहेंगे तो आज चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन सब सुनता है देखता है। तो ये नहीं करना चाहिए, हमारा भाषण होगा। अब क्या करेंगे, योगी आए तो लोगों को पकड़ पकड़ कराना पड़ता कि एक पाकिट लो खाने की और आओ बैठो सुनो। अच्छा आपको किसी को पैसा दिया गया आने के लिए कि
किसी को बिरयानी दी गई? क्यों आए थे? क्यों आए? अरे जोर से बोलो। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? जोर से बोलो क्यों आए? सुन लो सर, ये आते हैं, हम इनके दीवाने, ये हमारे दीवाने। और ये मोहब्बत जो है ना, ये कोई दौलत की बुनियाद पर ये मोहब्बत कायम नहीं हुई, कायम हुई क्या दौलत की बुनियाद पर? ये मोहब्बत इस बुनियाद पर कायम हुई है जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर इस रिश्ते को जोड़ दिया। और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत और रिश्ता सुबह कयामत तक जारी रहेगा। आप हमारे लिए दुआ करते रहिए कि आपने जो हम पर भरोसा किया, हम उस पर पूरा उतर सके। हम आपके भरोसे को शर्मिंदा ना होने दें इंशाअल्लाह होगा। और पुलिस से भी कहना चाहूंगा, अपना आप काम करिए। आपको अपने हमारे आपके काम में ताऊन की जरूरत है तो माजिर है, हम ताऊन करेंगे। मगर ये बोलना मौलाना को कि ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, भारत का संविधान आपसे बड़ा नहीं है, ना मुझसे बड़ा है, ना योगी से बड़ा है, ना मोदी से बड़ा है। भारत के संविधान के तहत सबको काम करने की इजाजत है। हम अपना काम कर रहे, आप अपना काम करो। जेल में डालना चाहते डाल दो, आप जेल में कितनों को डालेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 47% अगर कोई जेल में तो मुसलमान, कितनों को सजा होती है? सिर्फ 4 या 5% लोगों को सजा होती है। क्यों डाला जाता है जेल में? हाँ, अगर जेल में डालना है तो गोरखपुर में एक शख्स को होटल में गोली मार दी गई। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, बाबा गोरखपुर में गोली मार दी गई और आप सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करेंगे? एक को गोली मार दी गई तो उससे कह रहे हैं उसकी हमारी बहन से जो बेवा हो चुकी है कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो। क्या किसी को गोली मार कर कहेंगे कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो तो कितने लोग तैयार होंगे? क्या इंसान की जान की कीमत 10 लाख हो सकती है? किसी पर कोई पत्नी अपने पति की जिंदगी को 10 लाख में कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकती। हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से कह रहे हैं कि आप की हुकूमत ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो, ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि ठोक देंगे, देखो ठोक दिया गया है। एक हमारी बहन बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं आपके गोरखपुर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर फिक्र करना है। अब तीसरी और अहम बात की है, टाइम है ना, कब तक टाइम दिए? टाइम है ना, वरना फिर आपको ले जाएंगे। आप जाने तैयार हैं ना? ठीक है, हम बोलकर चले जाते हैं, जाएंगे।